Hello students, welcome to Mathematics of Class 4, Chapter 5, The Way the World Looks. This is the part 2 of this chapter. Now you open the textbook page number 57. So what is given here? The park behind Gappu's house. So students, you already know who is Gappu. Gappu is a little mouse. Okay, now let's read it out. What is written here? Do you remember the park behind Gappu's house? Have you remembered this? We already talked about this Gappu's house. When the Gappu goes up high with a string in the air, so this it can see all this view on the top. Okay, so what it can see that the Gappu, this is the Gappu's house, and this is the park which is nearest to his house. This is the top view of this object. Okay, students. So now here given some question answers on it. Let's see here. See what is given here. Mark the gate nearest to the sweet shop. So यहाँ पे आपको sweet shop के nearest कौन सा gate है वो mark करना है. A, B, C or D. Let's see the picture. See here. This is the park. The park has four gate. A, this one is B, this one is C and this one is D. So nearest to the sweet shop, which gate is this? And sweet shop के nearest कौन सा gate है? तो स्टूडेंट दिस इज़ द स्वीट शॉप राइट. आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमने जब पहले देखा था तो स्वीट शॉप था, गुरुद्वारा है. योर नेक्स्ट टू कपूर हाउस इज सुहासिनी साहब. दिस ऑल कैन सी फ्रॉम द टॉप व्हेन द गप्पू वाज विद द बलून. ओके, जब गप्पू बलून के साथ फ्लाई कर रहा है दैट टाइम इट कैन सी ऑल दिस व्यू. सो दैट इज़ द टॉप व्यू व्हेन द गप्पू वाज इन द एयर. क्लियर स्टूडेंट्स. तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि स्वीट शॉप के नजदीक कौन सा गेट है. तो दिस इज द स्वीट शॉप एंड विच इज द गेट नियरेस्ट टू इट, दैट इज द गेट ए. ओके, सो यू हैव टू पुट अ टिक हियर ऑन ए. हमें किस पे टिक करना है? ए के ऊपर. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस. कौन सा गेट गप्पू के घर के नज़दीक है? ओके, सी हियर, दिस इज द गप्पूज हाउस. ओके, दिस इज कप्पूज हाउस. सो विच इज नियरेस्ट, दैट इज द गेट सी. अंडरस्टूड? सो आपको यहाँ पे क्या लिखना है स्टूडेंट्स? गेट सी. आई एम जस्ट राइटिंग सी बट यू मस्ट राइट गेट सी. जी ए टी ई, गेट सी. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ यू एंटर फ्रॉम गेट बी द ग्रीन बेंच विल बी टू योर लेफ्ट राइट और फ्रंट. लेट्स सी. अगर आप गेट बी से एंटर हो रहे हो, सी सपोज आई एम एंटरिंग फ्रॉम गेट बी लाइक दिस, दिस इज अ गेट बी ना. सो योर ग्रीन बेंच, कैन यू सी दिस ग्रीन बेंच? दैट इज योर राइट, लेफ्ट और फ्रंट. क्या लगता है स्टूडेंट्स आपको, व्हाट आंसर विल कम? इफ आई एम एंटरिंग फ्रॉम गेट बी, यहाँ से मैं जा रही हूँ, तो ये वाला जो लाइट, दिस इज माई राइट हैंड. ओके, इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, सो दिस इज माई राइट हैंड एंड दिस इज माई लेफ्ट हैंड. ओके, सो बेंच विल बी ऑन विच साइड? एट योर लाइफ लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड है ना आपके बेंच, यहाँ पे लेफ्ट साइड है, तो आपको यहाँ पे लेफ्ट पे टिक करना है. समझ में आया हाउ टू सॉल्व इट? सो व्हेन यू गो फ्रॉम द बी गेट, सो बेंच एट योर लेफ्ट साइड, आपकी लेफ्ट साइड पे आएगा. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन सुहासिनीज एंटर्ड द पार्क द फ्लावर बेड वॉज टू हर राइट. Which gate did she enter from? यानी सुहासिनी जब पार्क में जाती है तो फ्लावर बेड उसके राइट है, तो वो गेट कौन सा होगा वो हमें फाइंड करना है. तो फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द फ्लावर बेड. वेर इज द फ्लावर बेड इन दिस पार्क? दिस इज द फ्लावर बेड. ओके, सो अगर सुहासी कोई गेट, जो भी गेट से एंटर होती है उसकी वो कौन सी साइड पे होगा स्टूडेंट्स? राइट साइड पे होगा. तो हम यहाँ से देख लेते हैं. सपोज सुहासिनी इज एंटर फ्रॉम हियर. अगर सुहासिनी यहाँ से एंटर होगी तो ये सुहासिनी का राइट साइड होगा और ये लेफ्ट साइड होगा. राइट, ये सुहासिनी का कौन सा साइड होगा स्टूडेंट्स? ये वाला होगा राइट साइड और ये वाला लेफ्ट साइड. इफ सुहासिनी कम्स फ्रॉम हियर, अगर वो यहाँ से आती है तो ये जो फ्लावर बेड है वो उसके राइट साइड होगा. यस, तो गेट कौन सा होगा? डी. यानी ये जो कंडीशन लिखा है वो कौन से गेट को सुटेबल है? डी. अगर वो ए वाले गेट से जाएगी तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा. यानी आप जहाँ से भी एंटर हो, आपका राइट और लेफ्ट पता है ना, आपका राइट हैंड और आपका लेफ्ट हैंड. अगर आप ए से एंटर होगी तो फ्लावर बेड लेफ्ट साइड होगा, दैट मीन्स दैट इज़ रॉन्ग.
हमें क्या पूछा है, व्हेन सुभाषिनी एंटर्ड द पार्क द फ्लावर बेड वॉज टू हर राइट, फ्लावर बेड उसका राइट होना चाहिए, विच गेट डिड सी एंटर, यानी कौन से गेट से वो एंटर होगी तो वो राइट साइड में पड़ेगा, ठीक है, तो डी से एंटर होगी तो ही राइट साइड पड़ेगा, सो हमें यहाँ पे लिखना है गेट डी, आई एम जस्ट राइटिंग डी बट यू मस्ट राइट गेट डी, ओके। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस नियरेस्ट टू यू इफ यू एंटर फ्रॉम गेट सी, अगर आप गेट सी से एंटर होते हो तो इन चारों में से कौन सी चीज़ सबसे नियरेस्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट, ग्रीन बेंच, फ्लावर बेड या सी सो, लेट्स सी इन द पिक्चर, कौन से गेट की बात हो रही है, गेट सी, वेर इज द गेट सी, दिस इज द गेट सी, सपोज आई एम एंटरिंग फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से आ रही हूँ तो कौन सा चीज़ नज़दीक होगा, ये सी सो है राइट, दिस इज फ्लावर बेड, दिस इज बास्केटबॉल कोर्ट एंड दिस इज द ग्रीन बेड, दिस आर फोर ऑप्शंस विद अस, तो कौन सा नियरेस्ट होगा, अगर मैं गेट सी से एंटर हो रही हूँ सो दिस सी सो इज नियरेस्ट टू मी राइट, सी सो ही नज़दीक पड़ेगा ना, सो अवर आंसर इज सी सो, क्लियर स्टूडेंट्स, आपको उसको टिक करना है, समझ में आ रहा है, ईजी है ना, ओके, सो दिस हैज़ टू डू इन योर टेक्स्ट बुक वाइल वॉचिंग द वीडियो, या आपको जब वीडियो देखो तभी उसको टेक्स्ट बुक में कम्प्लीट कर लेना है, ओके। नाउ यू ओपन द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 58, सो वॉट इज गिवन हियर स्टूडेंट, इस्माइल्स होम, क्या दिया है, इस्माइल्स होम, दैट मीन्स हियर द वन मैप इज गिवन स्टूडेंट, हियर सी स्टूडेंट, हियर द वन मैप इज गिवन, ओके, यहाँ पे एक मैप दिया गया है, लेट्स सी व्हाट इज रिटन ऑन द फोन, इस्माइल टोल्ड श्रीजाता द रूट टू हिज हाउस फ्रॉम हर हाउस, द रूट मैप इज शोन हियर, यानी ये जो मैप है वो रूट दिखाता है, किसके घर से, इस्माइल फ़ोन पे श्रीजाता को अपने घर का रास्ता दिखा रहा है, यानी श्रीजाता के घर से इस्माइल के घर का जो मैप है यानी रूट मैप दिखा रहा है, अगर श्रीजाता को इस्माइल के घर पे जाना हो तो दिस काइंड ऑफ मैप हैज़ टू फॉलो एंड शी कैन रीच टू द इस्माइल्स हाउस, सो दिस इज़ अ मैप, ओके, सो कहाँ से दिखाता है, इस्माइल टोल्ड श्रीजाता द रूट टू हिज हाउस फ्रॉम हर हाउस, यानी श्रीजाता से लेके इस्माइल के घर का रास्ता, ठीक है। Now let's see the next one. This is what Ismail told Sujata. यानी Ismail को जो रास्ता दिखाता है Sujata को वो इस kind. This is kind of this. Okay. So what is written here? From your house. That means Sujata house. Reach the Milkwood. यानी कहाँ पहुँचना है उसको Milkwood. Okay. हम यहाँ पे देखते हैं. I am reading this whole and I am showing in the map. See. From your house. यानी Sujata कहाँ से ज़्यादा जा रही है, किसके घर जा रही है, इस्माइल के घर, तो शी डजन नो तो वेर इज इस्माइल जाओ, तो इस्माइल उसको फ़ोन पे बता रहा है कि सेजाटा आप यहाँ से होके आओ, यू विल रीच टू माय हाउस, ओके, तो सेजाटा के घर से वो निकलेगी, रीच टू मिल्कबूथ, मिल्कबूथ यानी यहाँ पे मिल्कबूथ है, यानी वो यहाँ से चल के जाएगी तो वो मिल्कबूथ के पास यहाँ पे पहुँच गई राइट। नाउ द सेजाटा इज स्टैंडिंग हियर, नाउ देन टेक अ लेफ्ट टर्न, अगर आप कहीं से जाते हो तो यहाँ पे आप खड़े हो गए, यहाँ पे क्रॉसिंग है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो दिस इज़ योर राइट साइड एंड दिस इज़ योर लेफ्ट साइड, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, अगर श्रीजाता यहाँ से जाएगी तो यहाँ पे ये होगा, वो क्या होगा, राइट साइड होगा, अगर इस साइड जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड, ओके, सी, तो यहाँ पे खड़ी है, सो इस्माइल क्या बोलता है, मिल्कबूथ से यानी मिल्कबूथ के पास पहुँच गई, वहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, यानी इस साइड मुड़ेगी, यहाँ पे नहीं जाएगी वो, शी विल नॉट गो फ्रॉम दिस साइड, वो लेफ्ट साइड यानी इधर जाएगी, ठीक है। फ्रॉम द सेकेंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सेकेंड क्रॉसिंग के बाद राइट टर्न लेना है, यानी अगर वो आगे बढ़ेगी तो ये फर्स्ट क्रॉसिंग आएगा, ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्रॉसिंग आएगा, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड क्रॉसिंग के पास पहुँच गई, वहाँ से राइट टर्न, अगर वो यहाँ पे खड़ी है, सपोज आप रास्ते में हो, यहाँ पे खड़ी हो, तो आपकी राइट साइड कौन सी हो जाएगी, ये वाली राइट साइड हो जाएगी और ये वाली लेफ्ट साइड हो जाएगी, ठीक है, जहाँ पे आप खड़े हो आपका राइट हैंड पड़ता है वो आपकी राइट साइड हो गई, जहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड पड़ता है वो आपकी लेफ्ट साइड हो गई, तो राइट साइड टर्न लेना है, ले लिया, देन एंड गो ओवर द ब्रिज, यानी ब्रिज के ऊपर जाना है, ठीक है, देन गो स्ट्रेट, सीधे सीधे जाना है ब्रिज से, एंड देन टेक अ फर्स्ट राइट टर्न, उसके बाद अगर सिजाता यहाँ पे पहुँच गई उसके बाद उसको राइट टर्न लेना है, यानी यहाँ पे खड़ी है तो राइट टर्न इस साइड का हो जाएगा, ठीक है, सी आई एम ड्रॉइंग हियर, अगर सिजाता इफ सेंडिंग हियर तो ये उसका क्या हो गया, राइट टर्न हो गया,
अगर वो इस साइड मुड़ेगी तो कौन सा टर्न आ जाएगा, लेफ्ट टर्न आ जाएगा, ठीक है। तो इस्माइल क्या बोलता है कि यहाँ पे राइट टर्न लो एंड अबाउट 100 meters यू विल सी द पार्क। अब आप राइट टर्न से आगे जाओगे पार्क दिखेगा, ओके। देन व्हेन यू क्रॉस द पार्क यू विल साइड अ लेन, माई हाउस इज इन द फर्स्ट लेन, ओके। अगर राइट साइड पे आप आगे जाओगे पार्क दिखेगा और उसके वहाँ पे मेरे फर्स्ट लेन में मेरा घर है, समझ में आ गया। दिस आई शोड एज पर द इस्माइल्स इंस्ट्रक्शंस। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड इस्माइल गो रॉन्ग समवेयर, कैन यू करेक्ट हिम। आपको लगता है कि इस्माइल ने गलती करी है, क्या लगता है आपको? ऑफकोर्स इस्माइल वॉज रॉन्ग। क्या क्या रॉन्ग है स्टूडेंट्स यहाँ पे? सी व्हेन इस्माइल इज टेलिंग द रूट, सो व्हाट ही सेड आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज शी हैज़ टू टेक अ राइट टर्न, दैट इज रॉन्ग। आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज शी हैज़ टू टर्न लेफ्ट, कहाँ पे जाना है उसको, लेफ्ट टर्न। व्हेन शी गो टू द लेफ्ट अबाउट 100 meters सी विल सी द पार्क, अगर 100 meter आगे चलेगी उसको पार्क दिखेगा, ओके। एंड व्हेन शी क्रॉस द पार्क शी विल कम टू द लेन इन द फर्स्ट लेन दैट इज इस्माइल्स हाउस, समझ में आया। यानी उसने यहाँ पे बोला था कि ब्रिज क्रॉस करने के बाद राइट टर्न जाना है, सो दैट वॉज रॉन्ग, समझ में आया। राइट टर्न नहीं जाना, अगर इस श्रीजाता यहाँ पे खड़ी है तो ये राइट टर्न जाएगी तो कुछ भी नहीं है, लेफ्ट टर्न, लेफ्ट साइड जाएगी तो पार्क मिलेगा और पार्क को क्रॉस करेगी तो इस्माइल का घर आएगा, समझ में आया। तो आपको राइट और लेफ्ट कैसे डिसाइड करना है वो समझ में आया। आप जहाँ से भी जाते हो, आप जो भी डायरेक्शन में खड़े हो, उसकी राइट साइड राइट टर्न हो गया और उसकी लेफ्ट साइड आपका लेफ्ट टर्न हो जाता है, समझ में आ रहा है। सो अंडरस्टूड दिस मैम, नाउ श्रीजाता विल रीच टू द इस्माइल्स हाउस, ओके। तो इस्माइल वॉज रॉन्ग एट द हियर, शी डजंट हैव टू टेक द राइट टर्न, शी हैज़ टू टेक अ लेफ्ट टर्न इंस्टेड ऑफ राइट टर्न, क्लियर। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, नाउ शो वेयर श्रीजाता विल रीच इफ शी टेक द रूट ऑफ ही टोल्ड हर। अभी मैंने आपको जैसे रास्ता दिखाया वो आपको ऐसे उसको मार्किंग करके दिखाना है, ठीक है। अंदर पेंसिल से आप मार्किंग करके दिखाओगे, फ्रॉम हियर वो सेकंड क्रॉसिंग के पास जाना है, ब्रिज पे जाते हुए लेफ्ट टर्न लेके यहाँ पे ऐसे मार्किंग करके आपको टेक्स्ट बुक में दिखाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डायरेक्शन फॉर गोइंग फ्रॉम इस्माइल्स हाउस टू श्रीजाता हाउस। अब हमें इस्माइल हाउस से श्रीजाता के घर पे जाना हो तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? सी हियर, दिस इज द इस्माइल्स हाउस, ओके। और हमें यहाँ से जाना है श्रीजाता के घर, सो क्या करेंगे? फर्स्ट इस्माइल घर से हम मेन रोड पे आएंगे, ठीक है। देन टेक अ लेफ्ट टर्न, अब यहाँ से हम आते हैं, यू जस्ट इमेजिन योर सेल्फ देयर एंड देन यू थिंक, अगर इस्माइल की जगह आप हो तो आप क्या करोगे। यहाँ से हम इस्माइल के घर के पास मेन रोड पे आएंगे तो ये राइट साइड हो गई, ये लेफ्ट साइड हो गई, तो हमें पहले कौन सा टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न, ओके। यू पुट योर सेल्फ देयर एंड देन यू डिसाइड द डायरेक्शंस राइट और लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट टर्न ले लिया, ओके। देन यू विल रीच टू द ब्रिज, ब्रिज के पास पहुँच गए, ठीक है। देन गो ओवर द ब्रिज, वॉक स्ट्रेट, ब्रिज के ऊपर जाना है, स्ट्रेट चलना है। देन वहाँ जहाँ पे ब्रिज खत्म होता है वहाँ से वापस हम कौन सा टर्न ले गए, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट, कौन सा टर्न ले गए, लेफ्ट टर्न ले गए क्योंकि हमें श्रीजाता के घर जाना है, ठीक है। देन गो स्ट्रेट टिल द मिल्क बूथ, यानी वहाँ से स्ट्रेट चलना है मिल्क बूथ तक, ठीक है। और मिल्क बूथ के बाद उसको वहाँ से कौन सा टर्न लेना है वापस, अगर मिल्क बूथ के पास आ गए यहाँ तक, ठीक है। तो अब ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो घर कहाँ पे आएगा, राइट साइड पे। अगेन टेक द राइट टर्न, ओके, एंड वॉक अबाउट 100 meters एंड यू विल रीच टू द श्रीजाता's हाउस। आप जो भी डायरेक्शन में आते हो, आप यहाँ पे आए, उसके बाद आपको श्रीजाता के घर कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कौन सा टर्न लेंगे, राइट टर्न लेंगे, देन वी रीच, लेफ्ट टर्न लोगे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो यू पुट योर सेल्फ देयर एंड देन यू डिसाइड द डायरेक्शन सो यू विल गेट द आंसर ईजिली, अंडरस्टूड। सो हाउ टू रीच इस्माइल हाउस टू श्रीजाता's हाउस, अंडरस्टूड द वे, ओके। इट्स वेरी ईजी, यू विल डू वन मोर टाइम सो यू गेट इट मोर क्लियर, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 59, गिबली एंड द बिग बॉस। गिबली, हैव यू हर्ड दिस नेम गिबली, हैव यू रिमेंबर इन द थर्ड स्टैंडर्ड मैथमेटिक बुक, ओके। वन डे गिबली सो बिग बॉक्स ऑन हर वे, इट लुक लाइक दिस। गिबली मीन्स दैट इज द नेम ऑफ एंड, ओके। उसको रस्ते में एक बॉक्स मिलता है, वो ऐसा दिखता है, ठीक है। नाउ गिबली मूव्ड अक्रॉस एंड टर्न लेफ्ट, गिबली क्या करती है, वो उसके ऊपर चलती है और लेफ्ट टर्न लेती है,
देखो गिबली यहाँ पे है तो ये साइड जाएगी तो राइट हो जाएगा और ऊपर चढ़ेगी तो लेफ्ट टर्न हो जाएगा उसका। तो आपको देखना है कि आप कौन सी पोजीशन में खड़े हो, उसका राइट और लेफ्ट देखो, ये राइट हो गया गिबली का और ये लेफ्ट हो गया। हम एंड की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड जाएगी राइट। नाउ गिबली मूव्ड अक्रॉस एंड टर्न लेफ्ट, नाउ शी कुड सी द अदर फेस ऑफ द बिग बॉस। अगर वो लेफ्ट टर्न लगेगी लेगी तो उसको दूसरा फेस दिखेगा, जैसे कौन सा फेस दिखता है उसको, नंबर 5। गिबली वॉज कन्फ्यूज्ड, वॉट वॉज दिस बॉक्स, ये क्या है, एक बाजू 4 दिखता है दूसरे साइड 5 दिखता है। सी क्लाइम्ड ऑन कर्ब एंड ट्राई टू सी फ्रॉम देयर शी बॉक्स, सॉरी द बॉक्स लुक लाइक दिस। बाद में वो क्या करती है, एक कप के ऊपर चढ़ती है और देखती है कि वॉट इज दिस, वॉट हाउ वाई इट लुक लाइक दिस, सो दिस बॉक्स लुक लाइक दिस। ओके कैन यू गैस वॉट दैट बॉक्स लाइक थिंग वॉज, यानी जो बॉक्स क्या हो सकता है, इट वॉज अ डाइस, क्या है, डाइस। तो डाइस में ही नंबर लिखे होते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स। आर यू प्लेइंग विद द डाइस, स्नेक एंड लैडर, ओके खेलते हो ना लूडो, यू आर प्लेइंग विद द डाइस, हाउ मेनी नंबर्स ऑन डाइस, 6 नंबर। सो वन साइड व्हेन शी गोज फर्स्ट 4 नंबर, देन वन अनदर साइड व्हेन शी गोज 5 नंबर। ओके नाउ सी, सो दैट वॉज टॉकिंग अबाउट द डाइस, द नंबर ऑन अपोजिट साइड फेसेस ऑफ दिस बॉक्स एड टू 7। यानी कि आपको पता है कि डाइस पे 6 साइड होती है, 6 नंबर लिखे होते हैं, यानी दो अपोजिट साइड का आप टोटल करोगे आपको 7 मिलेगा। सी हाउ, सी दिस इज द 5 नंबर, ओके तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा स्टूडेंट्स, अपोजिट साइड, यानी दोनों का टोटल 7 होगा। यानी सपोज स्टूडेंट्स यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, ये वाली साइड पे 2, यानी 5 + 2 = 7 हो जाएगा। ओके नाउ यहाँ पे 4 है तो उसकी अपोजिट साइड पे कौन सा नंबर होगा स्टूडेंट्स, 3, यानी 4 की अपोजिट साइड जो होती है यहाँ से नेक्स्ट उसके अपोजिट साइड 3। अब ऊपर 1 है फ्रंट पे तो बॉटम में कितना होगा, 6, यानी 6 + 1 = 7, समझ में आया, 6 + 1 = 7। तो कंप्लीट हो गया 6 नंबर्स ऑन द डाइस, यानी डाइस की अपोजिट साइड का टोटल करोगे आपको 7 मिलेगा। क्लियर, नाउ लेट्स चेक इट आउट द नेक्स्ट वन। सी स्टूडेंट्स विच नंबर वॉज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 5, हमें फाइंड करना है कि 5 के अपोजिट कौन सा नंबर है। सी हियर, अभी हमने फाइंड कर लिया कि 5 अगर दोनों का अपोजिट साइड का टोटल 7 होना चाहिए तो 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 2। तो व्हाट आंसर हैज टू राइट हियर स्टूडेंट्स, 2 नंबर, क्या आएगा, 2। नेक्स्ट इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम, अब हमारे पास ये जो डाइस है उसके बॉटम में कौन सा नंबर होगा, हमने ऑलरेडी सारे नंबर फाइंड कर लिए, मैंने बोला कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 6, क्यों 6 होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट साइड का टोटल क्या होना चाहिए, 7। सो 1 तो यहाँ पे ऊपर टॉप पे 1 है तो बॉटम में कौन सा होगा, 6। तो हमें आंसर क्या लिखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6 राइट। नेक्स्ट विच नंबर विल गिबली सी इफ शी अगेन, विच नंबर विल गिबली सी इफ शी अगेन टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम 5, अगर वो वापस 5 से लेफ्ट टर्न लिखे जाएगी तो कौन सा नंबर दिखेगा। सी स्टूडेंट्स आपको कैसे पता चलेगा, गिबली यहाँ पे है राइट, सी गिबली इज हियर, अगर वहाँ से वो वापस लेफ्ट टर्न लेगी तो कौन सा नंबर दिखेगा। सी ये 5 है, आई एम थिंकिंग गिबली इज हियर, अगर यहाँ से वो वापस लेफ्ट टर्न लेके जाएगी तो कौन सा नंबर दिखेगा उसको, 3। यहाँ पे हमने देख लिया यहाँ पे 4 है तो अपोजिट साइड 3, यानी 5 से लेफ्ट टर्न लेगी तो वो 3 नंबर दिखेगा उसको। समझ में आ रहा है आपको, ये मैंने नंबर कैसे फाइंड किए, अपोजिट साइड का टोटल 7 होना चाहिए, 4 + 3 = 7, यानी आगे फ्रंट में 4 है तो बैक में क्या होगा, 3, टॉप में 1 है तो बॉटम में 6, साइड में 5 तो दूसरी साइड होगा 2, यानी आप दोनों अपोजिट साइड का टोटल कर लो 7 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3, यानी अगर 5 से वो लेफ्ट टर्न लेगी तो उसको 3 नंबर दिखेगा। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, सो What will this box look like if you open it? अगर हमारे पास ये जो box है अगर हम उसको पूरा open कर दें तो कैसे होगा, कैसे नंबर दिखेगी, ये पूरा box है, dice ही है, उसको मैं हर एक जगह से बंद कर दूँगी तो ये dice बन जाएगा like this way। तो उसमें से कौन सा correct option है, तो students how can you say that? See, हम ये वाला box देख लेते हैं, ठीक है, can you see this box? आपको ये बॉक्स दिख रहा है, अगर उसको ओपन करेंगे तो कैसा दिखेगा, आई एम ड्राइंग हियर, सी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास कौन से ऑप्शन है, 1 इज़ ऑन टॉप, आई एम टेकिंग हियर राइट, 1 के बाद
यानी वन के ऑपोजिट साइड पे कौन सा होगा, थ्री होगा। वन के इस साइड कौन सा होगा, फोर, राइट। एंड फोर के बाद कौन सा होगा यहाँ पे, सिक्स। और वन के इस साइड पे कौन सा नंबर है, थ्री, एंड हियर टू। ओके, अब आप उसको पूरा फोल्ड कर दो, वन को टॉप पे रहने दो, ठीक है, देन थ्री और फोर को फोल्ड करो और वन के ऊपर सिक्स आ जाएगा। सो ये पूरे को कंप्लीट करोगे आपको ऐसा बॉक्स मिल जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, वन आई हैव टेकन एज अ टॉप एंड सिक्स आई हैव टेकन एज अ बॉटम, टू एंड फाइव इज ऑन साइड, सॉरी दिस इज नॉट द थ्री, सी हियर, दिस इज अ फाइव, ओके, एंड दिस इज द टू। समझ में आया, यानी वन की साइड पे कौन से है, टू एंड फाइव, और वन की दूसरी साइड पे फोर एंड थ्री, और सिक्स बॉटम में तो हमने यहाँ पे लिया है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दिस वन, राइट स्टूडेंट्स। वन देखो यहाँ पे वन सेंटर में है, क्लियर। अकॉर्डिंग टू दिस बॉक्स दिस इज द करेक्ट ओपन अप ऑप्शन। अगर आप खोलोगे पूरे ये बॉक्स को तो आपको ऐसा दिखेगा। दिस यू कैन ट्राई एट होम ऑल्सो, आप क्राफ्ट पेपर लेके आप ऐसे बॉक्स को बना के आप उसको ज्वाइन कर लेना, एंड यू राइट द नंबर ऑन इट, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ बॉक्स। कैसे करना है, यू हैव टू फर्स्ट कट इट एंड मेक दिस पेपर लाइक दिस वे, आपको फोल्डिंग वाला ऐसा बनाना है, उसके ऊपर नंबर मार्किंग कर लो, एंड देन यू हैव टू ज्वाइन दिस ऑल द पीसेज, यू विल गेट द डाइस लाइक दिस वे विद द करेक्ट नंबर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कैसे करना है, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर्स प्रॉपरली, सो रिवाइज दिस अगेन ऑल्सो, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।